आपके अपने YouTube चैनल हर क्राफ्ट किचन में आपका स्वागत करती हूँ। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड, हम आज से हमारी मफिन सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसमें हम अलग अलग फ्लेवर के मफिन्स बनाएंगे। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को अपना प्यार दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे वेनिला फ्लेवर टूटी फ्रूटी मफिन्स। तो मफिन्स बनाने के लिए इस टाइप के मफिन्स मोल्ड आते हैं वो यूज़ करेंगे हम, या फिर आप इस टाइप के ये कपकेक मोल्ड आते हैं इनमें भी बेक कर सकते हो, और मफिन्स ट्रे आती है उसमें आप ये लाइनर लगा के उसमें भी आप बेक कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें बेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाले मोल्ड यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें मोल्ड को क्या करना है, ग्रीस कर लेना है। ऑयल या बटर से हम मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। मोल्ड को मैंने सब पूरे ग्रीस कर लिया अच्छे से। अब इसमें हमने जो पेपर लाइनर है हम ये लगा देंगे मोल्ड में। हमें सबसे पहला काम यही करना होता है कि मोल्ड को ग्रीस करके रख लेना है, उसके बाद हम अपना केक का बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारे मोल्ड अब रेडी हैं, अब हम अपना बैटर बनाते हैं। इस रेसिपी में हम जो टूटी फ्रूटी यूज़ कर रहे हैं उसको पहले हम थोड़ा सा मैदे से डस्ट कर लेंगे ताकि नीचे जाके बॉटम में सिंक ना हो हमारी। अगर हम कोई ड्राई फ्रूट भी डालते हैं तो वो भी हमें ऐसे मैदे से थोड़ा कोट कर लेना चाहिए हमें। जो हमने मैदा वेट किया था उसी में से थोड़ा सा मैदा लेके मैं इस पर कोट कर रही हूँ। इसको साइड रख देंगे अभी। अब एक हम बॉल लेंगे। सबसे पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट जो भी यूज कर रहे हैं उन सबको हम छान लेंगे। मैदा लिया मैंने, इसके बाद हम लेंगे बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून। बेकिंग सोडा हम लेंगे 1/4 टीस्पून। इनको सबको छान लेंगे अच्छे से। अब इसको साइड रख देते हैं हम। अब हम लेंगे ऑयल, पाउडर शुगर, विस्कर से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। साथ ही इसमें हम डालेंगे कर्ड। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों को।
अब इसमें हमने जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट छान के रखे थे वो मिक्स कर देंगे। और साथ में थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस। अगर आप इसको किसी और फ्लेवर में बनाना चाहते हो, पाइनएप्पल वगैरह या कोई भी, तो पाइनएप्पल एसेंस डालोगे और इसमें कलर ऐड करोगे, येलो कलर। आप अब हमने जो टूटी फ्रूटी ये मैदे से कोट कट करके रखी थी, इसको हम डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर 1/2 टेबल स्पून। हमारा बैटर अब रेडी है। अब इसको हम मोल्ड में पोर कर देंगे। इस टाइप का हमारा बैटर होना चाहिए। अब एक पाइपिंग बैग लेंगे, पाइपिंग बैग में हम सारा बैटर डाल लेंगे। उसके बाद फिर हम मोल्ड में पोर करेंगे। कट कर लेंगे पाइपिंग बैग को सीजर से थोड़ा सा। बैटर को हमें मोल्ड में 3/4 तक ही फिल करना है। टैप कर लेंगे। अब इनको हम बेक करेंगे 170 डिग्री पे 15 to 18 मिनट्स के लिए हम बेक करेंगे। बेक होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे मफिन्स बेक हो गए हैं और देखिए कितना परफेक्ट बेक हुए हैं, कितने सॉफ्ट मफिन्स बन रहे हैं हमारे। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। आप टेक्सचर देख सकते हो मफिन्स का और कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे मफिन्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर, बाय।